कम से कम 4 साल से आप इस गीत को गा रहे हैं और इस विषय को जो आपका दोनों कलाकारों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के अलावा मौजूदा रसियाबाजी में कोई इस कहानी को तुमसे अच्छा नहीं गा सकता जी। हो इस बात में कोई दोराय नहीं है। पक्ष की और विपक्ष की बातें आपकी दोनों की बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। रही बात एक बात कह के गए वो बड़ी बड़ी गलत लगी मुझे गोपाल भाई आपकी, रसियाबाजी का पतन हो रहा है तुम जैसों की वजह से। भैया भाई बता फिर मैं भाई रोकू, बता बा को इलाज बता मैं रोकू, कम से कम 100 आदमी बेघर रह जाएंगे, बाको मैं इलाज ढूंढू कछू। थोते गाल बजाने से नहीं होता है कुछ भी, बदलाव लाने की हिम्मत होनी चाहिए आदमी में। क्या बात है गोपाल भाई, पतन रसियाबाजी का आप भी समझ रहे हैं किस चीज से हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं उस बात को, फटकेबाजी फटकेबाजी की जगह फटकेबाजी होगी। जो बातें लील की गई है उनका जवाब उसी दायरे से दिया जाएगा। एक गीत गाया है उसका मैं जवाब दूंगा, छंद लड़ता हुआ चल रहा है उसका जवाब दूंगा, एक टुकड़ा आप लोगों के मनोरंजन का भी रखूंगा। और भाई कह रहे हैं ऐसा गीत गाना लेडीज और जेंट्स दोनों पक्षों का गीत होना चाहिए, तो मैं दोनों पक्षों का गीत भी गाऊंगा। जय हो, चिंता मत करो, तुम्हारी जो ख्वाहिश है पूरी करूंगा। लेकिन एक बात पे मुझे हंसी आई गोपाल भाई, जितना पढ़ा लिखा आदमी होता है उतना ही सोचता है। मैं हंस रहा था जब तुम जवाब दे रहे थे और छाती ठोक पढ़े लिखे तो तीन ऊंटा टेको चक्कर जाए समझ कहां पाओगे तुम। आपने कह दिया अपने मन में झांक ले आभास की जरूरत है। राम जी कह रहे हैं भरत जी से, कण कण में राम बसे हैं विश्वास की जरूरत है। कौन से राम है? जो दशरथ के बेटा है वही तो कह रहे हैं कि कण कण में राम बसे हैं। राम ने कभी नहीं कहा है, या तो बाबा तुलसीदास को आप झूठा कर दें आपकी बात सत्य है तो। रामचरितमानस कह रहा है जब भगवान राम से पूछा है को तुम श्यामल गौर सरीला छत्री रूप फिर वन बीरा, क्या बात है, तो भगवान राम ने कहा है कौशलेश दशरथ के जाए हम पतवजमान बनाए। राम ने कभी ये नहीं कहा है क्या मैं भगवान हूं मैं कण कण में बसा हूं, ना भागवत ना है रही, मैं उन्हें कह रहा हूं भागवत है रही है, पर लेकिन मैं सही और गलत समझा रहा हूं, रास्ता तो भटक को जा रास्ता पे ले रहा हूं। हाँ हाँ जी ध्यान दें आप लोग, अब नहीं बनाया लेने। भैया कह रहे उधर से प्यारी जितनी ऊंची दुकान है उतने ही फीके पकवान। अब मेरा कहना क्या है, मैंने कहा कही तेने कहा सुनी रे, मैंने कहा कही और तेरे कहा सुनी है, पुरुषोत्तम भगवान।
प्रेम पड़ जाए नकल असल की नकल असल की सब मालूम पड़ जाए। अरे क्या तू योद्धा नाम को है, ये क्या तू योद्धा नाम को है। और मैं फिर समझा रहा हूं तुझे, अरे क्या तू योद्धा नाम को है, अरे तू सेवक है बांसुरी कृष्ण को, तो ये हनुमत सेवक तंज नहीं किया। क्या बात है, गायकी के माध्यम से हमारी लड़ाई होती है इलम कलम की, उसके माध्यम से मैंने कलाकार से वार्तालाप किया है मंच पर। आप कह रहे रंगशाला की नचनिया को रस्सियों में नचाने लाए हो, रंगशाला में मत भूलो गोपाल भाई, एक समय ऐसा भी था आपको भी रंगशाला में नाचना पड़ा। हाँ बिल्कुल नाचे थे। ये बात सत्य है, आपको भी रंगशाला में नाचना पड़ा था क्योंकि पापी पेट का सवाल था। हाँ बिल्कुल। और मैं भगवान से ये अभिलाषा रखता हूँ, भगवान आप पर ऐसा समय कभी न लाए, आप दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करें। क्या बात है, कभी आपको रंगशाला में नाचने की जरूरत न पड़े, रसियाबाजी की मंचों पर आपका बहुत आनंद होता रहे। लेकिन दुख होता है
जब कलाकार अच्छी प्रस्टेज पे पहुंचने के बाद ऐसी हल्की बातों को करता है। अब दोनों की बात चल रही है वहां, दोनों पक्ष आपने गा दिए, उसके बाद आगे जो कहानी बढ़ती है, ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट होते हैं जी हो। और विश्वामित्र कहने लगे, मैंने सुना तू राजा दानी बड़ा, मैंने रे के मैंने सुना तू राजा दानी बड़ा है, दान कार्यों में खास के है, दान कार्यों में खास तो लेने तो परीक्षा आया था मैं तेरे राज्य में तेरे पास, लेने को परीक्षा आया था मैं तेरे राज्य में तेरे पास। अब विश्वामित्र ने मृत पड़े हुए उस बच्चे को जिंदा किया जी हो। यहां से आगे से मेरा जवाब है, कहना है दोनों की बात सुनकर, दोनों की बात सुन विश्वामित्र हिलता ही आए, दोनों की बात सुन विश्वामित्र हिलता ही आए, रोहित कुमार को तुरंत जिंदा किया है, रोहित कुमार को तुरंत जिंदा किया है। विश्वामित्र कहने लगे, राजा तू धर्म पे अटल है, तेरी रानी महान है, तेरे सत्य को मेरा जन, तेरे सत्य को मेरा जन करता नमन, तेरे सत्य को मेरा जन करता नमन है, तेरा नाम रहेगा जब तक, तेरा नाम रहेगा जब तक रहेगी धरन आए, तेरा नाम रहेगा जब तक रहेगी धरन आए, तेरा नाम रहेगा जब तक ये रहेगी धरन आए। किसी ने भी जवाब दिया हो, कैसा भी दिया हो, मेरा ये मानना है इससे अच्छा जवाब किसी ने नहीं दिया होगा, तेरे सत्य को मेरा जल करता नमन है, तेरा नाम रहेगा जब तक रहेगी धरन। विश्वामित्र, समझा था राजा मैंने तुमको साधारण, समझा था राजा मैंने तुमको साधारण, तेरे साथ जो भी हुआ वो था परीक्षा का कारण, तेरा नाम रहेगा जब तक रहेगी धरन।
अरे सब अरमा आज तुलाए लियो, ये सब अरमा आज तुलाए लियो, अरे आज हिमायती अपने यहाँ पे, और सुन बेटा आज बुलाए लियो, कटेंगे दिल हिल मिल के। अब पलंग दे भैया जवाब दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं तो बुराई करूंगो, कहा किसी ने? अब सुने, अब बुराई में लाने क्या रही है, अरे दुनिया में है रही है कोई बाकी जे जे कार, अरे के सो भयो घप सल्ला है, तू है दिल के कजीब दूर, हम तन्हाइयों में बाटे गम तेरी यादों के, तू है दिल के कजीब दूर, हम आ गई। हाँ। जब राजनीति की वैर चल रही है लड़ती हुई, जय घूर घूर सब देख रहे कदम हीरा पन्ना चल रहे हैं, जय घूर घूर सब देख रहे कदम हीरा पन्ना चल रहे हैं। अब भैया चाहे तो सारों को ले लेता हूं, समझ रहे लाल को सटवा रहे हो, जय घूर घूर सब देख रहे कदम हीरा पन्ना चल रहे हैं, जाकवारी की कुतिया के पीछे कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, जाकवारी की कुतिया के पीछे कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, जाकवारी की कुतिया के पीछे कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, जाकवारी की कुतिया के पीछे कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं,
अरे कछु शर्म के मारे भैया अपनो मूड पकड़ रहे हैं, कछु शर्म के मारे भैया अपनो मूड पकड़ रहे, और भैया शर्म के मारे भैया अपनो मूड पकड़ रहे। और नेक आनंद सो आ जाए तो मेरे नाम की मत बजाइयो, गोपाल भैया के नाम की ताली जरूर बजनी चाहिए। अरे कछु शर्म के मारे भैया अपनो मूड पकड़ रहे हैं, और जितो कबू न पिल्ला डारेगी आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी राल भाई, अब एक लाइन और दे रहा हूं। हाँ। मेरी जान कोशिश कर रहे हैं इसे लड़ाने की। संसद के दरमियान करने को पहचान, जाने वाला इंसान काटने चाहिए, जाने वाला इंसान काटने से चाहिए, जाने वाला इंसान काटने से चाहिए। संसद के दरमियान करने को पहचान, जाने वाला इंसान काटने चाहिए। छोटा बड़ा अधिकारी या हो कोई कर्मचारी, भय भ्रष्टाचारी सबको हार्ड कैश चाहिए, भय भ्रष्टाचारी सबको हार्ड कैश चाहिए, भय भ्रष्टाचारी सबको हार्ड कैश चाहिए। कुर्सी की आड़ में, कुर्सी की आड़ में जनता जाए भाड़ में, नेताओं को न्यारे न्यारे बाड़ में चाहिए, नेताओं को न्यारे न्यारे बाड़ में चाहिए, नेताओं को न्यारे न्यारे बाड़ में चाहिए। देश की सुरक्षा ऐसे, देश की सुरक्षा ऐसे गुंडा करेंगे क्या, देश की सुरक्षा ऐसे गुंडा करेंगे क्या, खुद की सुरक्षा में बॉडी गार्ड ले चाहिए, खुद की सुरक्षा में बॉडी गार्ड ले चाहिए, खुद की सुरक्षा में बॉडी गार्ड ले चाहिए। हाँ भैया पलंग दे, भैया कह रहे के वो आगे वालों चूलो और पीछे वालों चूलो, बहुए तो तेरी अम्मा लेके गई है। अरे इन मूर्खों को ये पूछो कि उस मोदी ने केवल सिलेंडर बांटे कि न के भाई संग में चूलो दर के दे होए। अच्छा चूलो दे होए। हाँ भैया चलो भूल गई। देख भैया भूल तो होगी, क्योंकि देख भैया सिलेंडर है तो अमल आई पर चूल्हे छोड़े आई। पर चिंता मत करो गोपाल भैया, अब के बाद चूल्हे हुए ना छोड़ेंगे, बेईमानी को ले लेंगे, समझ रहे हो। और एक बात और, एक के 100 रुपया लीटर पेट्रोल ले गई तो भैया महंगाई तो नहीं कहा तो बढ़ेगी, और बढ़ेगी क्यों, महंगाई की तुम बात कर रहे, महंगाई की तुम बात कर रहे, महंगाई की तुम बात कर रहे, बाने काम अलग छटवायो, महंगाई की तुम बात कर रहे, बाने काम अलग छटवायो। नेक नेक बढ़ जाए कोई दिक्कत ना है, और हकीकत हो तो तालियां चाहूंगा। महंगाई की तुम बात कर रहे, बाने काम अलग छटवायो, अरे भाई मोदी ने, भाई मोदी ने लॉकडाउन में फ्री राशन बटवायो, फ्री राशन बट रोग तो तुरंत सबसे पहले आगे तैयार हुई नंबर हम तो ले जाए। आप फ्री के राशन खा खा के हिसाब किताब देख कितने मोटो था। हाँ ये सब मोदी को याद हो जो गोपाल भैया जी मामलो सत्तर हीरो का है। और एक बात और कह रहे, छंद लड़े ना तो पे रसिया लड़े तो भाग सिदो सो जइयो, रुकनो कोई ना है जाएंगे सब, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अरे नाकदार तेरी बेहरू कट गई, नाकदार तेरी बेहरू कट गई, नाकदार तेरी बेहरू कट गई, अब राजी है जइयो,
ना कदार तेरी देहरू कटे गई और अपराजी है जइयो, अपराजी है जइयो। और सामने देवी मैया को मंदिर बाके घंटाए पकड़ बजइयो, पे अधिकार। अरे दुनिया में चलना है ये, और देखिए उधर से गीत हुआ और कोशिश हम भी करेंगे, और मां साहब गीत बजाएं, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। राहुल भाई गीत तो दो पक्षों का गाना चाहता था, लेकिन नए व्यक्ति के कारण रामगुरु ने मना कर दिया। बोले जब वो मंच पर उपस्थित हो, कार्यक्रम तो हमारे होते रहेंगे आप लोगों से, मंच पर उपस्थित होता है वो कलाकार जिसको गीत याद होता है, जिसके जिसके लिए लिखा जाता है, वो बात एक अलग होती है। अब हम कछु कहेंगे जो कछु सुनेगी, हाँ चक्कर तो यही है। हाँ जी हो लाल बसट वाले हो, इस गीत के बाद जो आप कह रहे उस गीत को जरूर रखूंगा मैं। हाँ। देशभक्ति गीत की फरमाइश की है, कोशिश करूंगा। कहने लगा और उधर से गोपाल भाई भी देशभक्ति गीत लेकर के आएंगे। एक तुझे के दिल में अपना घर बनाना है, ते भी खाते सभी हदों से गुजर जाना है, जो तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को सात महारथियों ने घेर के मार दिया, क्या बात है? तो एक तरफ तो अभिमन्यु की चिता तैयार है और एक तरफ उस अर्जुन ने अपनी मरने की भी चिता तैयार कर ली और कहने लगा जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगा। तो जब दृश्य को देखा तो भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को समझाने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहा है सुनिएगा एक एक शब्द को। क्या कह रहा है? के चलूं चिता के बीच में, हो और मैंने लई प्रतिज्ञा ठान, चलू चिता के बीच में और मैंने लई प्रतिज्ञा ठान, और पुत्र मोह में आज प्रभु मैं दे दूंगा अपनी जान, पुत्र मोह में आज प्रभु मैं दे दूंगा अपनी जान।
जब इतना कहा के पुत्र मोह में आज प्रभु में दे दूंगा अपनी जान, तो कहने लगे कन्हैया के जाने का वहां पे तू प्रथा जान रे और कोई हो करके अज्ञान क्या जान कबाब तू प्रथा और कोई हो करके अज्ञान क्यों के गीता के उपदेश का कोई रहा न तुझको ध्यान गीता के उपदेश का कोई रहा न तुझको ध्यान और ए अर्जुन पल और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर दुनिया को देख छक छोड़ के चले गए दुनिया को देखो छक छोड़ के चले गए दुनिया को देखो छक छोड़ के चले गए दुनिया को देखो छक छोड़ के चले गए अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए अरे द्रोण गुरु भी संपिता में सल्यकरण और वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए अरे वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए और तेरी तो जात पात और औकात क्या है रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए कहना है अर्जुन अब कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है 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 अगर कन्हैया की बात अच्छी लगे चार चार लाइन के अटका फटका पर तो दुनिया ताली बजाती है और अच्छी बात पर ताली कितनी बजेंगी आज मैं देखूंगा अच्छी लगे बात तो केवल आशीर्वाद चाहूंगा कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से के प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है ए अर्जुन कृष्ण के होते तुझे मरने की जरूरत क्या है कृष्ण के होते होते तुझे मरने की जरूरत क्या है क्या बात है बहुत सुंदर एक तू वीर है और दूजा धनुषधारी है एक तू वीर है और दूजा धनुषधारी है एक तू वीर है और दूजा धनुषधारी है मेरा भी रूप है एक नर का अवतारी है जिसने गर्भ के अंदर से जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना है चाहे तो अर्जुन तुम सही और चाहे मैं सही मेरा भी रूप है एक नर का अवतारी है चेता में चिंता झरने की जरूरत क्या है चिता में चिंता झरने की जरूरत क्या है
कृष्ण के होते मरने की गीता का ना तुझ में नजर आता है, ज्ञान गीता का ना तुझ में नजर आता है, ज्ञान गीता का ना तुझ में नजर आता है, वो है ये तेरा मन को ना मेरे भाता है, वो है ये तेरा मन को ना मेरे बेधाता का लेखा हर अंक काम आएगा, बेधाता का लेखा हर अंक काम आएगा, मौत से आज वो क्षेत्र नहीं बच पाएगा, मौत से आज वो के जाल में पड़ने की जरूरत क्या है, ज्ञान मधुआ का हरने की जरूरत क्या है, कृष्ण के होते तुझे मरने की और जरूरत क्या है। देखिए हमारे भैया ने फरमाइश की थी एक देशभक्ति गीत की, तो हाथ जोड़ के विनती है उस देशभक्ति गीत को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि कलाकार कोई भी सही, चाहे मैं सही चाहे गोपाल भाई सही, कोशिश हर कलाकार करता है अपना अपना वजूद बनाने की। उस गीत को गोपाल भाई सुनिएगा।